जी नमस्कार नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु से। आंसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने जिस तरह से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि गेट पर भेंट वाला जो मामला है कि पहले कोई घटना घटे, फिर उस तरह से आप फिर जाएं वहां आवाज उठाएं और सामने जो है वो कुछ भेंट स्वरूप ले, तो ये सवाल तो बहुत पहले से उठ रहे हैं सुदेश महतो और तमाम झामुमो और भाजपा नेताओं के खिलाफ कि अगर ये लोग पहले से मजदूरों श्रमिकों की समस्याओं दिक्कतों परेशानियों कष्टों से अगर परिचित होते, उनके पक्ष में अगर इस तरह का कोई काम करते, उनकी पीड़ा में सहभागी होते, तो आज तक 24 साल के बाद भी जिस तरह से झारखंड का गठन हुआ, समस्या वही की वही बनी हुई है। आज भी 20 साल काम करने वाले लोग 8 हजार 10 हजार पर काम कर रहे हैं, 15 हजार पर काम कर रहे हैं। अब सोचिए आज की तारीख में 8 हजार 10 हजार 15 हजार 20 हजार, मैंने एक श्रमिकों को लेकर, ठीक है कहीं कोई नौकरी नहीं है तो इसका मतलब कि आप उनके श्रमिक होने का एक नैतिक मूल्य जो है झारखंड जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य की बात अगर आप करें तो वहां पर कुछ अलग मामला हो सकता है कि बिहार एक खनिज संपदा वाला राज्य नहीं है, लेकिन झारखंड में अगर इस तरह से कंपनियां अगर करती हैं, उसमें जयराम महतो आवाज उठाते हैं, तो उसमें भी इशारों में नाम लेकर के इशारों में बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा ऐसी तरह की क्रांति करते हैं। और ये विनोद बिहारी महतो का पथ नहीं है, विनोद बिहारी महतो की क्रांति ऐसी नहीं थी, जबकि उस रास्ते पर विनोद बिहारी महतो के दिशा निर्देश पर उनके सिद्धांतों पर लगता नहीं है कि सुदेश महतो भी चल रहे हैं। जी देखिए गेट पर भेंट जो है ना, तो जो आते हैं सुदेश महतो और जिस पार्टी के साथ मिलकर सत्ता राजनीति करते हैं, तो वो भी चाय पर चर्चा वाली पार्टी है। अब हम आते हैं फिर समझाते हैं आपको गेट पर भेंट का क्या मतलब। तो चाय पर चर्चा करते हैं, चाय पर चौराहा किसी गंभीर विषय पर चर्चा की चीज होती है। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप किसी सिद्धांत का किसी विचारधारा का गंभीर मुद्दों की जो चर्चा करनी है तो उसका क्या तरीका हो सकता है। आप मजदूर आंदोलन का इतिहास समझिएगा तब आपको समझ में आवेगी बात। तो फिर आप कहेंगे कि आप सुदेश महतो को, वो तो खुद बहुत ज्ञानी है। आप लेबर यूनियन का इतिहास पढ़िएगा, और तमाम आज भारतीय लेबर यूनियन का इतिहास नहीं करे, पूरा दुनिया के लेबर यूनियन का इतिहास। एक मजदूर से, एक कामगार से कब भेंट होगी, कहाँ भेंट होगी? जो मजदूर 8 घंटा हार तोड़ मेहनत करता है, ठीक है, वह फिर घर जहां उसका पड़ाव होगा, ठिकाना होगा, वहां जाएगा, खाएगा, पिएगा, आराम करेगा। वो 8 घंटा जो मेहनत करता है तो उसको आराम भी उसी तुलना में चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ काम नहीं ना कर रहा है जिसमें कोई श्रम न लगे, शारीरिक श्रम कर रहा है। तो जो ट्रेड यूनियनें होती हैं, जो पार्टियां, संगठन जो होता है मजदूर से जुड़े संगठन, तो उसका क्या था कि जब मजदूर जाने के समय नहीं, भीतर में आने के समय होता है ना कि काम करके जा रहे हैं, तो थोड़ा है कि थोड़ा समय मिल गया तो कुछ बात उत भी कर ले, तो वहां पर्चा बांटना, अपनी बात सुनाना, गेट मीटिंग करना, ये सब तरीका होता जो एक स्वस्थ बात है स्वस्थ ट्रेड यूनियन का। लेकिन वो जो संकेत दे रहे हैं, वो जो गेट पर भेंट कर रहे हैं, उनके गेट पर भेंट का यह मतलब है कि वहां दबदबा बना करके कुछ आर्थिक दोहन वोहन का वो मामला बता रहे हैं, ठीक है ना, माने उनका संकेत यह है। तो भैया आज की तारीख में आप ही अगर गेट पर भेंट निरंतर किए होते, और भले वो दोहन वोहन भी करते, जो करते ठीक है वो करते, मान लिया कि 5 पैसा दोहन करते तो 10 पैसा का लाभ भी दिलाते, कुछ करते, तो आपकी वहां विश्वसनीयता लोकप्रियता आती, तो दूसरे दूसरा से तो मजदूर को गेट पर भेंट नहीं करना पड़ता, नहीं समझ रहे? तो आपने क्या किया? और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं, मतलब वो नैतिकता की बातें गिना रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं, तो भैया आप पत्थर फेंकिएगा दूसरे के घर पर तो आपके तरफ भी पत्थर फेंकेगा कोई। अब वो जब गेट पर भेंट करा रहे हैं तो जयराम महतो के तरफ से क्या क्या बात आया है? आप भी जब पहली बार विधायक बने थे तो आपकी क्या हैसियत थी? आर्थिक हैसियत थी, जोड़िए ना, छोड़िए दूसरा हैसियत, आप गेटे पर भेंट करा रहे, आर्थिक दोन की बात कह रहे हैं, तो अपनी हैसियत में आइए।
आप गिनाइएगा, हम इतना दिन विधायक रहे, मंत्री रहे, तो हिसाब किताब तो सबका है ना भैया। ऐसा थोड़े होता है कि कह दीजिएगा कि हम 25 साल विधायक रहे तो हम खरबपति हो जाएंगे। 25 साल के विधायक को और सांसद को और भी देश में लोग देखा है ना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत विधायक तो रह गए 20 साल इसी झारखंड में हैं, जिनको रहने को घर नहीं है बेचारे को, ऐसे भी विधायक जनप्रतिनिधि हैं पुराने। तो आपका उसके बाद उनका गिनाने लगते हैं ना, उनका जो पार्टी है तो आरोप लगता है ना कि परिवार की पार्टी है, वो मौसा जी है उनका, और वो जो है क्या क्या उसमें जो गिनती गिनाया जाने लगता है। तो मौसा जी की जो संपत्ति है तो हम नहीं कह रहे हैं, तो उधर से आरोप आ रहा है ना पलट के कि भैया उनका कौन था धंधा और कैसे बढ़ गए और क्या कर लिए नहीं कर लिए, ये तमाम बातें हो गई। तो भैया अपना घर शीशा का मैंने हो, दूसरे के आपने घर पर। आपने आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया। तो क्या पिछले दिनों जो जयराम महतो ने जो सीपी चौधरी के मैंने बारे में पूरा ब्यौरा दिया था संपत्ति को लेकर आरटीआई के मामले में जो आया है बाहर, तो क्या उसी का वो बदला ले रहे हैं या उसके जवाब में ये सुदेश महतो इस तरह का हमला कर रहे हैं? देखिए अगर वो उसका बदला ले रहे हैं तो स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है। अगर जयराम महतो वो तो आए तो आरटीआई के हवाले से लेके आए, तो उसका जवाब क्या होता। आप भी लाते दो ही बात था, नहीं तो कहते कि जो सूचना दी जा रही है भ्रामक है, सही जानकारी नहीं है, ना कोई खंडन और कहीं नहीं से नहीं हुआ है, अभी तक कहीं से कोई खंडन नहीं हुआ है। वही कह रहे हैं ना, तो नहीं तो आप उस सूचना को जानकारी को खारिज करते, और नहीं तो कहते कि हाँ सूचना सही है, लेकिन उस सूचना के पीछे जो शंका आशंका जाहिर की जा रही है वह गलत है, यह ऐसे ऐसे आया मेरे पास हिसाब किताब। अरे भैया अब तो देखिए, अब तो सब साफ है ना, अब तो आप नौकरी करते हैं तो सैलरी जाता है बैंक में, तुरंत इनकम टैक्स वाला उधर से आपका हिसाब किताब काट के तुरंत हिसाब लगा देता है। तो मजदूर भी बेचारा जो 8,000 का नौकरी करता है उसका भी जो है क्या क्या कटने लगता है, 11%, 11.5%, जो टीडीएस उडीएस क्या क्या कटने लगता है, तो सबका तो हिसाब किताब साफ है। तो आप खारिज करते, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप गेट पर भेंट करा रहे हैं, वो गेट पर भी भेंट पर जो कहना चाह रहे हैं तो आप खुल के कहिए ना, अगर आपके पास कुछ प्रमाण सबूत है तो खुल के कहिए कि गेट पर भेंट 50 रुपया में हो रहा, 500 में हो रहा, ऐसे हो रहा, उन्होंने तो कहा ना कि ऐसे बन। फिर आप भी गिनाइए कि जयराम महतो ने गेट पर भेंट करके 50 स्कॉर्पियो खरीदा, 50 अपार्टमेंट खरीदा, बंबई में हवाई जहाज खरीदा, हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, बताइए क्या दिक्कत है। राजनीति है, होनी चाहिए भैया, आप करिए। आप तो कह रहे, हम तो कह रहे कि इस हमाम में सब नंगे हैं जब राजनीति के, तो अगर है तो उनका भी नंगापन ले आइए सामने ना, क्या दिक्कत है। जब खुलिए गया है मोर्चा तो अब गिनाइए इसमें क्या दे रहे, फिर इशारों में क्या कह रहे हैं। तो इशारों में कह रहे हैं इसलिए कि कहीं आप डर रहे हैं कि भैया आप समझ भी रहे हैं कि हम उधर पत्थर फेंकेंगे तो पलटेगा, लेकिन आप ना कहीं मजबूर हैं उधर हमला करने के लिए। दो ही बात होती, नहीं तो प्रमाणिक तथ्य के साथ सामने आते, करारा जवाब देते, और नहीं तो चुप रहते, है ना, चुप रहते तो एक परिपक्वता का परिचय होता कि अरे सब कुछ का जवाब नहीं दिया जाता है, बहुत बातें कही जाती है राजनीति में, तो बहुत बात कहने सुनने के लिए होती है। इतना ही कह देते कि भैया जो कुछ कहा जा रहा है इससे हम इतफाक नहीं रहते हैं रखते हैं, और हमारा तो जनता की अदालत के हम लोग भैया वहां जो है वहां खड़ा होंगे, फैसला हो जाएगा, जो एक कहा जाता है जो कहने के लिए वो भी तो कह दे सकते थे ना। तो आप कर क्या रहे, आप किस राजनीति में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो लेपली देखे फिर वही बात हो गई, ऐसा नहीं होना नहीं, चाहिए ना। शुरुआती दिनों में इन लोग को लगा था चाहे कोई भी मुख्यधारा की पार्टी हो कि जयराम महतो जिस तरह से चल रहे हैं या जिस तरह से काम कर रहे हैं टाई टाई फिक्स हो जाएंगे, लेकिन उनकी उनकी तस्वीर तो लोकसभा चुनाव के दौरान बदली कि जब लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, जीत नहीं दिलाई, जीत दिलाई तो अभी दूसरी तस्वीर रहती। तो कम से कम प्राथमिक तौर पर अपनी जो उनकी मैंने लोगों की अपनी प्रतिबद्धता दिखी उनमें जयराम महतो में, तभी तो इस रूप में जो कुछ भी उनका जनाधार बना। अब वो जनाधार अगर उसके मान लीजिए कि इस विधानसभा चुनाव में शिफ्ट करता है बहुत ज्यादा, मैंने जीत की तरफ अगर वो जनाधार बढ़ता है, चिंता मूल रूप से यहाँ पर है। और वो भी इसलिए कि तो 3 साल का महज मामूली, तो 2.5 साल का महज मामूली आंदोलन है, और मुद्दे लेकिन बहुत व्यापक मुद्दे हैं। जी
छोटा जवाब। हाँ तो वही है ना, तो कहीं ना कहीं वही जो उभार है ना, वो उभार डरा रहा है, तो उभार सिर्फ सुदेश महतो को ही नहीं डरा रहा है ना, अरे उनका उभार भाजपा के लिए भी खतरा है ना, उनका उभार जेएमएम के लिए भी खतरा है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सुदेश महतो को तो खतरा नहीं करेंगे ना। अब राजनीति में ठीक है, सीमित है जो सीट उट का है, कहाँ ज्यादा प्रभाव होगा कम होगा, लेकिन ये जो बातें कह रहे हैं वो सिर्फ सुदेश महतो पर तो लागू नहीं हो रही है अगर ना। प्रभाव नहीं होता तो क्या पिछले 24 साल के झारखंड के इतिहास में गठन के बाद, राज्य गठन के बाद, क्या भाजपा की तरफ से कभी ऐसी तैयारी आपने देखी थी जिस तरह से तैयारी की जा रही है? वही है ना, और देखिए ना, भाजपा शरीखा लोग, भाजपा कितना सोच समझ के उधर भी चाहती तो आक्रामक हो सकती थी, सुदेश महतो जितना आक्रमण कर सकते हैं सामने रह के, उससे ज्यादा आक्रमण तो जो भाजपा का नेटवर्क है जी, सवेरे से उठ के वो तो ट्विटर पर कोई चीज ट्रेंड कराने लगता है, उसका जो मंडली है, टीम है, वो पूरे देश दुनिया में जो चाहे सकारात्मक नकारात्मक बातें फैला सकता है, आप उसकी ताकत को इस रूप में आती है ना, नहीं होता है किसी को कुछ चला, पूरा मीडिया तो आरोप लगता है ना कि टोटो मुखधारा की मीडिया हो तो भाजपा की बिकाऊ को आरोप, तो कहते गोदी मीडिया सब प्रचलित हो गया, तो जब इतना खुल के सब कुछ है, बावजूद इसके क्यों नहीं हो जयराम को उस तरीके से निशाने पर लेती है, तो राजनीति यही परिपक्वता है, तो भाजपा की क्या राजनीति और ये सुदेश जो महतो। सुदेश महतो ने जो बयान दिया है इनके खिलाफ ही चला जाएगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बेशक, देखिए दो बातें होती है, अभी देखिएगा कि हाल फिलहाल आपकी नजर गई है कि नहीं गई है, हमको नहीं है, कि एक सोशल मीडिया पर एक आया था, ये जो अभी जीते हैं यूपी में जो कौन भीम भीम आर्मी की कौन आर्मी का वो एक सांसद बने हैं जो चंद्रशेखर, अकेले जी चंद्रशेखर चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर आजकल हेलीकॉप्टर हुए प्राइवेट उराइवेट विमान उमान से इधर उधर जा रहे हैं, तो उनको कोई ट्वीट ट्वीट किया होगा कि अरे अभी तो सांसद बने हैं, पहली बार कहाँ से ही हेलीकॉप्टर आ गया, कहाँ से ही छोटा प्लेन आ गया, तो बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई, तो जो चाहने वाले थे उनके वो सांसद के, उन्होंने कहा कि भैया तुम उड़ो तो हेलीकॉप्टर पर बहुत अच्छा, और हमारा नेता उड़ रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है, मान इस तरह की बातें आई, ठीक है ना। तो आज के तारीख में तो भैया आप जिस राजनीति को कर रहे हैं वहां यह भी स्थिति नहीं है कि कोई आपको इतना माने विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है कि आपकी कुछ गलतियों को भी आपकी उपलब्धियों के रूप में माने सोचेगा और उस तरीके से आपको माने बचाएगा, बचाव करेगा,